Hello dear students, I hope you all are well. Today we will continue with the second question, that is discuss the state of Indian agriculture sector on the eve of independence. ये फोटो काफी कुछ रिवील कर रही है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है कि जो जमींदार हैं या जो ब्रिटिशर्स हैं वो फोर्स कर रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट को या फार्मर्स को अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए. आइए देखते हैं व्हाट इट इज ऑल अबाउट. इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेंड फंडामेंटली एग्रेरियन. इसका मतलब एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी. एंड अबाउट 85% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दैट लिव्ड इन विलेजेस एंड लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर. इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है that continued to experience stagnation and deterioration. अब देखते हैं features of Indian agriculture on the eve of independence. तो पहले हम तीन basic बात करेंगे. जो situation थी that was backward, stagnant and non-vibrant. The very first comes that is low productivity. Productivity का मतलब होता है जब हम agriculture में per hectare of output की बात करते हैं तो हम बात करते हैं productivity की. अब person में बात करेंगे तो per person output की बात करेंगे. ठीक है जी. लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वॉज वेरी लो. क्यों था? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी और इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी, जिसकी वजह से लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वॉज लो. कोई भी टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स नहीं थी एग्रीकल्चर में बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स स्मॉल फार्मर्स शेयर क्रॉपर्स. ना तो उनके पास रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी थी और ना ही उनके पास इंसेंटिव था कि वो एग्रीकल्चर में क्यों इन्वेस्ट करें. लॉस ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व. अब होता क्या था, ओनर्स ऑफ सॉइल जो है वो डिफरेंट थे टिलर्स ऑफ द सॉइल के. ओनर्स ऑफ सॉइल जो है वो पूरा का पूरा आउटपुट एज रेंटल इनकम एंजॉय करते थे, बट जो टिलर्स ऑफ सॉइल थे दे वर लेफ्ट ओनली विद अ मीगर शेयर बेयरली इनफ फॉर देयर सर्वाइवल, जितना उन्हें जीने योग्य था, दैट इज सबसिस्टेंस. लैक ऑफ मींस ऑफ इरिगेशन. ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू डेवलप द मींस ऑफ इरिगेशन. वो ज्यादातर जो एग्रीकल्चर था डिपेंडेंट था किस पे, रेनफॉल पे. तो जब अगर मानसून फ्लक्चुएट करता था तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी फ्लक्चुएट करता था. सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर वॉज डिविजन सब डिविजन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ वॉट अवेलेबल लैंड होल्डिंग. आफ्टर ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ हाईली फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान ड्यू टू पार्टीशन. के पार्टीशन के वक्त जब बहुत सारा फर्टाइल लैंड जो है वो पाकिस्तान को चला गया तो क्या हुआ कि इंडिया को बहुत मेजर लॉसेस फेस करने पड़े. नाउ लेट अस फोकस ऑन सम other aspects of the situation. Textile industry in Bengal Muslim is a type of cotton textile which had its origin in Bengal, जो कि अब capital city है किसकी, बांग्लादेश की. हम उसको pre-independence period में ढाका बोलते थे, right? हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत fine quality of cotton textile मिलता है और उसकी finest variety of muslin को हम बोलते हैं मलमल. क्या बोलते हैं जी, मलमल. और जो भी foreign travelers थे they also used to refer it as malmal shahi or malmal khas, implying that it was worn by or fit for the royalty. Next, agriculture during pre-British India, the French traveler, inka naam tha Burner, inhone 17th century mein Bengal ko kaise describe kiya, ye the unke words. The knowledge I have acquired of Bengal in two visits inclines me to believe that it is richer than Egypt. It exports in abundance cottons and silk, rice, sugar and butter. बेटा ध्यान रखना, ये सब हमारी NCERT की वर्डिंग है. इसको वीडियो को पॉज कीजिए, इसको रीड कीजिए, ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी. राइट, क्वेश्चंस कैन कम. नाउ विल स्टडी अबाउट व्हाट वर द कॉजेस ऑफ स्टैग्नेशन एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. हम पहले बात कर चुके हैं कि एग्रीरियन थी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की सिचुएशन और 85% जो है कंट्री की पॉपुलेशन वो कहां थी, विलेजेस पे डिपेंडेंट थी और उनका लाइवलीहुड जो था वो किससे चल रहा था, एग्रीकल्चर से. अब देखते हैं स्टैग्नेशन के मेन कॉजेस क्या थे. लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो कि एक मेजर रीजन था. अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है वो हमारे जमींदारी सिस्टम से आया फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी. राइट, अब इसमें क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो इन द फॉर्म ऑफ लगान या रेंट जो है वो प्रॉफिट ले लिया करते थे किससे जी, टिलर्स ऑफ द सॉइल से. तो मेन इंटरेस्ट जो था वो क्या था कि वो रेंट ले रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कल्टीवेटर्स. टिलर्स की क्या हालत है, जमींदार कहता था कि मेरे पास रेंट और सारा प्रॉफिट आ जाना चाहिए. अब जब हम बात करें टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट की तो उसमें क्या था, जमींदार का ये एटीट्यूड क्यों था, क्योंकि डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यूज वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द जमींदार्स वाज टू लूज देयर राइट्स. तो ब्रिटिशर्स ने ऐसी कंडीशंस लगा दी थी कि इतने टाइम पे रेंट लेकर आओ नहीं तो आपके राइट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे. इसके अलावा लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स,
ये सब जो थे दैट एडेड टू द प्लाइट ऑफ फार्मर्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू डिसिमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट कम्स द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन्होंने बोला कि आप वीट मत उगाएं सिर्फ अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, अब आप कैश क्रॉप्स उगाना शुरू करें जिसको हम बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो उन्होंने बोला आप इंडिगो उगाइए, जूट उगाइए, कॉटन उगाइए, यानी कि कैश क्रॉप्स उगाइए, ताकि क्या होगा कि वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होगा ब्रिटेन के लिए। नेक्स्ट इज इंपैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन एग्रीकल्चर। अब ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हमने पहले भी पढ़ा कि जब पार्टीशन हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो बहुत सारी एग्रीकल्चर फर्टाइल जो लैंड थी वो कहां चली गई, पाकिस्तान में चली गई, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस हुआ और इंडिया की जूट प्रोडक्शन या जो बाकी चीजें जो हैं विच वर यूज टू एक्ट एज रॉ मटेरियल वो सब जो है हाईली इंपैक्ट हुई और वो सब ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बनी, राइट। और बिफोर पार्टीशन इंडिया के पास जो है वो जूट प्रोडक्शन का मोनोपोली कंट्रोल था। नेक्स्ट इज लो इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडिया एग्रीकल्चर वो स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉयल एज द ब्रिटिश स्पेंट वेरी लिटिल ऑन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। सी बेटे यू हैव टू रिमेंबर जैसे कहां कहां पर लैक कर रहे थे तो वो क्या टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज, डीसैलिनाइजेशन ऑफ सॉयल, ये सब पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में या हॉट्स बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कमर्शियल क्रॉप्स, स्टिल अ लार्ज नंबर ऑफ टेनेंट्स स्मॉल फार्मर्स शेयर क्रॉपर्स, उनके पास ना तो रिसोर्सेज थे ना ही टेक्नोलॉजी थी कि वो इन्वेस्ट कर पाए एग्रीकल्चर में, राइट। नेक्स्ट हम जो स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।